आपके लिए ठीक नहीं है, आप बदनाम हो जाएंगी। ये शिक्षक है, ये समाज का निर्माता है, समाज को मार्गदर्शन करता है, इसके खिलाफ आप होंगी तो हम चाणक्य की परंपरा के लोग हैं, हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसका जड़ उखाड़ देते हैं। हम ये बताना चाहते हैं वर्मा जी को, श्रीमती वर्मा जी को जो महानिदेशक है, मिश्रा जी नहीं आप जी कह रहे हो, मैं सीधा राजकुमार भाटी जी के पास पहुंचूंगा। भाटी जी भाटी नहीं सर, भाटी नहीं चौधरी, राजकुमार चौधरी, राजकुमार चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका नाम याद रहता है इस चक्कर में। अरे चौधरी में कोई बात नहीं भाई, हमारे हमारे गुजरों में भाटी भी होते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने आज फिर चैनल में अपने जुड़ने का मौका दिया। और मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता से महसूस करते होंगे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन और शिक्षा, ये चारों किसी भी नागरिक की मौलिक अधिकारों और मूलभूत आवश्यकताओं में होती है। इन चारों बिंदुओं पर कोई भी सरकार ये कल्पना नहीं कर सकती कि उसे आमदनी करनी इन चीजों से, ये घाटे पर भी चलानी पड़ती है सरकार को। इनसे कभी ये कल्पना नहीं की जाती कि हमें इनसे कोई आमदनी या कमाई करनी है। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि या तो अधिकारियों की तानाशाही समझ लीजिए, अधिकारियों को विपरीत विचारधारा कर लीजिए कि ये सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवकों को सरकार के विपरीत करने की मंशा बना करके बैठे। हो सकता है कि संबंधित विभाग के माननीय मंत्री जी और संज्ञान ले कि उनके बैठे विभाग के अधिकारी सरकारी सेवकों का उत्पीड़न करने पर उतारू है। अब बेसिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है कि जिसको एक या कह लीजिए सफाई कर्मी तक भी जाकर के निरीक्षण करता है इसका। आप इतना लंबा चौड़ा अमला तमला निरीक्षण करने के लिए किस लिए बिठा रखा है भाई आपने? आप समय पर जाइए, समय पर आप निरीक्षण करिए, कौन आपको मना कर रहा है? आप निरीक्षण करके जो भी आपको कार्रवाई करनी कार्रवाई करिए, कौन मना करता है उस चीज के लिए? आप एक ऐसी बांधी व्यवस्था लागू कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बैठता। बेसिक शिक्षा का जो भौगोलिक परिवेश है, जो लोग देहात में गांव में ड्यूटी करने लिए जाते हैं 80-80, 90-90 किलोमीटर दूर, 100-100 किलोमीटर की दूरी पर उनको विद्यालय आवंटित है, रास्ते में नदी नाले पगडंडी, कई छोटी सड़कें, कई आपके ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है, कई रेलवे फाटक बंद होते हैं तो कहीं कुछ बंद होता है, दुनिया भर की तमाम समस्याएं सामने, उन सब चीजों को नजरअंदाज करते माननीय निदेशक महोदय जी के द्वारा, महानिदेशक महोदय जी के द्वारा पत्र जारी कर दिया और बोखड़ा डिग्री दिए कि इसको 15 जुलाई से व्यवस्था शुरू कर देते, आज नया पत्र जारी कर दिया कि इसको 8 तारीख से लागू करेंगे। ऐसी क्या इतनी इस विभाग के अंदर उठक पटक मचाने की आवश्यकता पड़ रही है? आप तमाम जितने गैर शैक्षणिक कार्य है वो टीचर से ले रहे हैं। अब टीचर आपका क्लास में पढ़ाएगा, आप ये कह रहे कि नहीं 9-8 बजे से 2 बजे तक विद्यालय में रहना है, उसको आप इधर छोड़ नहीं सकते। आपको सिलेंडर लाना पड़ेगा एमडीएम के बनाने के लिए, तो सिलेंडर किस समय लाओगे भाई? आपकी दाल सब्जी खत्म होगी विद्यालय में, तो दाल सब्जी किस समय लाओगे भाई? यानी कि 24 आवर्स, अरे आप इससे बेहतर तो उनको विद्यालय को रेजिडेंशियल स्कूल बना दे, स्टाफ के लिए रहने के लिए मकान वही बना दे, सब अपना वही रहे आराम से, अपना क्या दिक्कत आ रही लोगों को अपना जाकर के अलग अलग मकान लेकर बना कर रहने की? तो ये समझ से परे है, बिल्कुल न्याय थी एक समझ लीजिए कि उत्पीड़नात्मक आदेश विभाग की तरफ से किए जा रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। अनुरोध करना चाहूंगा कि आप संज्ञान लीजिए, हम सब लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार रहे, लेकिन आपकी सरकार के प्रति जो नेगेटिव विचारधारा सरकारी सेवकों के मन में पैदा कर रहे तो ये अधिकारी बैठे कर रहे हैं। दूसरे सबसे बड़ी समस्या आ गई कि जनपद का संतुलन बनाने का काम जनपद ही अधिकारी करता है। हमारे समय में बहुत पहले की बात है, जब 2006-7-8-9 में जब हम लगे, 6 में लगे, तो उस समय की स्थिति में और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ गया। उस समय अगर किसी विद्यालय में आवश्यकता से अधिक अध्यापक था तो बीएसए को पावर होती थी, उसको हटा करके आवश्यकता वाले विद्यालय में भेज सकता था, या जहां पर
कमी थी वहां पर वो विद्यालय से व्यवस्था कर सकता था, आपस में एक इधर उधर से अटैचमेंट की व्यवस्था कर सकते थे अगर कहीं कोई ऐसी बात स्थिति चल रही। अब न जाने पता नहीं कौन सा दिमाग में किस अधिकारी ने किस व्यवस्था के तहत इनके जहन में बिठा दिया कि पता नहीं कौन से लूटमार अधिकारी जनपद स्तर पर कर रहे, अध्यापक जनपद स्तर पर कर रहे, कोई आपत आ रही कहीं। अरे व्यवस्था संचालित करनी है आपने, गैर शैक्षणिक तमाम काम शिक्षकों पर लाद दिए, पहले आप उनसे मुक्ति दिलाइए। आप दूसरे कर्मचारियों की भांति इनकी सीएल के अर्धावकाश की व्यवस्था करिए। और मैं तो कहता हूँ कि हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली में ऑनलाइन उपस्थिति है नहीं, आप अपने कार्यालय में उपस्थिति जाकर के चेक कर लीजिए ना कि आपकी उपस्थिति ऑनलाइन अगर कर दे तो आप कितने लोग समय से उपस्थित होंगे। अब 8:01 पर आप विद्यालय में जा रहे हैं, 8:02 पे विद्यालय में जा रहे हैं, पूरा दिन आप काम करें, आपको ऑनलाइन में उपस्थित दर्शाया जा रहा है, तो आपका मन क्या करेगा ऐसी स्थिति। मैं मानता हूं कि पूर्णतया अव्यावहारिक आदेश है और माननीय महानिदेशक महोदय जी का पुनर्विचार करना चाहिए, इसको जिद्दी स्वभाव को छोड़ना चाहिए। अभी जैसा साई जी कह रहे थे कि वो दूसरों के इशारे पर काम कर रहे, मुझे नहीं लगता, बहुत सुलझी और बहुत सम्मानित और बहुत संजीदा अधिकारी है, वो स्वयं भी निर्णय लेने में सक्षम है। वो ये सोचे कि विभाग को हमें कैसे बेहतर तरीके से चलाना है। आप महसूस करते हैं आप घर के बच्चे को रोज डंडा उठाइए, उसको रोज उत्पीड़न करिए, देखो कितना काम करके आपको देगा, वो महसूस कर लेगा तुझे तो पिटना ही पिटना, जब तेरी रोज ही पिटाई होनी तो पीट भाई, वो चितकुट हो जाएगा और चितकुट होकर के वो काम नहीं करेगा, फिर वो उल्टे ही रास्ते पे चलेगा। अब अगर यदि महानिदेशक महोदय समझते तो बेसिक से वो चाकबुक चला करके इस बेसिक शिक्षा का उन्नयन करवा के बिल्कुल इसे अमेरिकी पैटर्न पे या इंग्लैंड के पैटर्न पे लाकर खड़ी कर देंगे, तो ऐसी उनकी बहुत बड़ी भूल है। धरातल पर आइए और धरातल पर आकर के देखिए, आज बरसात चल रही है, इस समय पूर्वांचल के अहमद पश्चिम में तो इतनी बरसात नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में जाइए, पूर्वांचल के जनपदों में जाकर के देखिए क्या हालात है, कि कई कई फीट पांच पांच छह छह फीट जो सड़कों पर पानी, 20-20 फुट तालाब में गए स्कूल भरना, 8-8 फुट विद्यालय में पानी भरा, सारा रिकॉर्ड उनका गल के खराब हो गया। अभी एक विद्यालय देख रहा था औरैया का, मैं तो उसमें 11 फुट की बिल्डिंग है, 11 फुट की बिल्डिंग में उसके दरवाजे तक पानी दे कमरे डूब के बैठे। अब वहां पर टैबलेट रखेंगे, ऐसे में अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, वहां ऑनलाइन उपस्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। अब वहां पर 8 दिन तक बिजली गायब रहेगी, उनके टैबलेट चार्ज नहीं होंगे, कुछ और व्यवस्था चार्ज नहीं होगी, नेट नहीं होगा, ऑनलाइन उपस्थिति उनको दर्शा दो दी एबसेंट। अब आपने प्रोजेक्ट के तौर पर अपने पहले कार्यालय को देखना चाहिए था, चल सकते या नहीं चल सकते। बेसिक शिक्षा के विद्यालयों का भौगोलिक अध्ययन आपको करना चाहिए बैठ करके, कि उनकी भौगोलिकता क्या है, किस प्रकार की स्थिति में उनको बल्कि उनको फ्री हैंड करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि फ्री हैंड अगर ये शिक्षक को कर दें, आप तमाम गैर शैक्षणिक कार्य पूरे कर दें, उन्होंने कहा कि हमें आपसे केवल ये चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ाएं और एक अच्छा आउटपुट दिखा देकर दिखाएं, तो मैं मानता हूं कि मेरा शिक्षक समाज इतना बहादुर और इतना कर्मठ शिक्षक समाज है कि वो आपको पुनः उसी व्यवस्था में ला करके खड़ा कर सकता है। और आज भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप जो संस्कार और जो शालीनता और जो व्यवहार कुशलता हमारे बच्चे में मिलेगी विद्यालय में पढ़ने वाले में, और जो गंभीरतम जानकारी वो विषय की वो रख पाएगा बच्चा, कॉन्वेंट विद्यालय के बच्चे को बराबर बिठा लीजिए। आप टीचर को चोर साबित करने पर लग रहे, 5,000 जी सर 5,000 और 25,000 रुपया देकर के आप उसे 50,000 1,00,000 रुपए का काम करवाने के बाद भी अगर उसको एक अच्छा कायाकल्प में विद्यालय को एक भौतिक वातावरण आपको प्रस्तुत करने के बाद भी अगर उसके प्रति ऐसी मानसिकता आप रख रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप कतई गलत है। और संगठन की तरफ से बिल्कुल 100% इसका बहिष्कार रहेगा। ऑनलाइन उपस्थिति हम किसी सूरत में नहीं देंगे, ना ही हम अपने बच्चों को देंगे। बच्चों के लिए भी इजाजत है कि किसी के बच्चे के हम उसके माँ बाप की इजाजत के बिना उसका फोटो लेकर के उसको हम ऑनलाइन नहीं कर सकते किसी भी हालत में। मैं पुनः आपका आभार और व्यक्त धन्यवाद करना चाहूंगा।